मैं अपनी बात खत्म करने से पहले, अगर किसी से लड़े हुए हो तो सुलह कर लेना उठ के, अगर किसी से बातचीत बंद है तो सुलह कर लेना, और खास तौर पर अगर खामिंद और बीवी लड़े हुए हों और वो सुलह कर लें तो उनके अल्लाह पिछले सारे गुनाह माफ कर देता है। शैतान रोजाना अपना ऐसे आरा, तो साल में एक दफा होती शैतान की आरआईएस रोजाना होती, उसकी मीटिंग रोजाना होती है समंदर के ऊपर, वो अपनी कचहरी लगाता है ऐसा, इससे भी खूबसूरत होगा मेरे ख्याल में उसका भी हॉल शॉल। तो वो पूछता है हमें क्या किया है, तो वो कहते हैं चोरी करवाई, डाका डलवाया, कत्ल करवाया, झूठ बुलवाया, कुफर करवाया। वो चुप करके ठंडा रिस्पॉन्स देता है, ऐसे ऐसे करता रहता है। साथ ही कहता है ये तो कोई बड़ी बात नहीं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। एक लंगड़ा काला कोड़ा जहा शैतान पिछू खलो के आता है, पंजाबी जानते हो? अच्छा चलो ना जानो फिर भी कहूंगा पंजाबी में। तो एक काला भेड़ा गंदा कोड़ा जहा शैतान, हुजूर मैं मियां बीवी नु लड़ाया गया, शाबाश पुत्र अगा आ जा, काम तो तू किया, आ जा आ जा आ जा। एक काला सा शैतान कहता है हुजूर मैंने आज खामिद और बीवी को लड़ाया, तो वो यूं होता है कहता ये है जो करके आया है, उसको बुलाकर गले लगाता है, फिर अपने साथ बिठाता है, कहता ये काम करके आया है, ये काम करके आया, क्यों कि इससे पूरी नस्ल बर्बाद हो जाती। इसलिए मेरे नबी ने कहा अली तलाक से बचना, जब तलाक दी जाती अल्लाह का अर्श कांप उठता है कि फैमिली टूट जाती है, नस्ल खराब और बर्बाद हो जाती। इसलिए आपको हाथ जोड़ के कहता हूं एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखो, एक दूसरे को माफ करना सीखो, एक दूसरे को दरगुजर करना सीखो। अल्लाह के वास्ते ये जबान जो मुंह में डाली हुई है इस जबान को काबू कर लो, ये जबान अगर आपके हाथ में है आपका घर आपके हाथ में है। कुछ ना दो किसी को लेकिन मीठा बोल दे दो तो वो राजी हो जाता, और सोने चांदी में तोल दो लेकिन जबान का बोल कड़वा हो तो पूरी जिंदगी बर्बाद होकर रह जाती।